हेलो दोस्तों तो आज हम शुरू करने वाले हैं एमसीक्यू फ्लूइड मैकेनिक्स के तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है व्हाट इज विस्कोसिटी तो इसके ऑप्शंस देख लें रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ सॉलिड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ हीट तो इसका राइट right आंसर है सी तो विस्कोसिटी क्या होती है कि फ्लूइड्स जो दो फ्लूइड की लेयर है उसको इसके बीच में जो हमारे पास ऑपोजिट फोर्स लगेगी ये मोशन है मान लो ऑब्जेक्ट सॉरी अपने फ्लूड का तो फ्लूड जो मूव कर रहा है तो उसका रेजिस्टेंस उसके फ्लो का रेजिस्टेंस बनाना तो वो क्या होता है एक्चुअली विस्कोसिटी विस्कोसिटी होता है viscosity. तो हमारा राइट right आंसर है सी नेक्स्ट देखते हैं इन विच टाइप ऑफ मैटर वन वॉन्ट फाइंड्री स्ट्रे सर्फेस तो फ्री सर्फेस किसमें नहीं होता सॉलिड लिक्विड गैस या फ्लूड में तो इसका राइट right आंसर है गैस गैस में कोई भी हमारे पास फ्री सरफेस नहीं होता सॉलिड की बात करें तो उसका ऊपर वाला जो हमारे पास यहां पे होगा अपर सरफेस इसको हम कह देंगे फ्री सरफेस। इसी तरह हमारे पास अगर लिक्विड है तो लिक्विड के केस में भी हम कह देंगे अपर वाले को इसका फ्री सरफेस है लेकिन हमारे पास गैस में ऐसा कुछ नहीं होता कोई फ्री सरफेस नहीं होता थर्ड क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडल ऑफ एन आइडल फ्लूड इज तो बल्क मॉडल की वैल्यू तो थर्ड क्वेश्चन है बल्क मॉडल की वैल्यू आइडल फ्लूड के लिए तो आप याद रखें ये होती है जीरो तो बल्क मॉडल क्या होता है हमारे पास बल्क मॉडल देख लें बल्क मॉडल क्या होता है तो बल्क मॉडल होता है हमारे पास कितना आपने स्ट्रेस लगाया नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी उसमें आ गई इन दोनों का रेशियो होता है तो उस केस में आइडल फ्लूड के केस में तो आइडल फ्लूड के केस में बल्क मॉडल हमारे पास जीरो होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अट ऑफ मास डेंसिटी तो डेंसिटी के क्या यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो डेंसिटी क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम तो मास आ गया किलोग्राम वॉल्यूम आ गया मीटर क्यूब में तो मास क्या आ गया हमारे पास किलोग्राम वॉल्यूम मीटर क्यूब में तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारे पास आंसर है फॉर इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वेट स्पेसिफिक वेट के कौन से तो देखिये स्पेसिफिक वेट क्या होता है पहले देख लें स्पेसिफिक वेट होता है न्यूटन तो वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में तो न्यूटन पर मीटर क्यूब इज द राइट आंसर देखिये टू फ्लू वन एंड टू हैास रो वन एंड रोटू रिस्पेक्टिवली रो वन ज्यादा है रोटू से हमारे पास देखिए इतना सा आपको याद रखना है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो यहाँ इस केस में हमारे पास रो वन ज्यादा है रो टू कम है तो हमने उल्टा कर देना है उल्टा केस में हमारे पास क्या आ गया वी टू ज्यादा आ जाएगा तो वी टू इस केस में क्या है यहां पे ज्यादा है वी टू ज्यादा आ जाएगा वी वन से तो मेरे पास हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इस चीज को आपने याद रखना है नेक्स्ट देखिए फोर एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूड डेंस विद द विदेम्परेचर एंड प्रेशर तो इनकंप्रेसिबल फ्लूड है इस चीज का आप ध्यान करें कि हमारे पास क्या है इनकंप्रेसिबल फ्लूड है तो वो क्या पूछ रहा है इनकमसिबल फ्लूड में डस डेंसिटी वेरी एंड प्रेशर तो हमारे पास डेंसिटी वेरी करेगी टेम्परेचर या प्रेशर के अकॉर्डिंग या नहीं करेगी तो ये नहीं करेगी इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट आपने याद रखना है इसका इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट है इफ देर इज अ बकेट फुल ऑफ ऑयल एंड बकेट फुल ऑफ वॉटर एक बाल्टी में हमारे पास ऑयल है एक बाल्टी में पानी है एंड यू आर आज टू लिफ्ट दैम विच वन ऑफ द टू विल रिक्वायर मोर एफर्ट गिट दॉल्यूम ऑफ द बकेट रिमेन्स देखिये हमें कह रहा है कि दो बकेट है सेम वॉल्यूम की है और एक में ऑयल है और दूसरे में हमारे पास वॉटर है दूसरे में वॉटर है तो आपको ये पूछ रहा है यूर हास्ट टू लिफ्ट देम इसको उठाना है विच वन ऑफ द टू विल रिक्वायर्ड मोर एफर्ट किसको ज्यादा फोर्स लगेगी उठाने के लिए तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो मैं कहूँगा कि इनकम्प्लीट है क्योंकि हमें इसकी डेंसिटी नहीं गिवन है ठीक है ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये थोड़ा सा बुक्स वाले कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं बुक्स में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएंगे नेट पे भी मिल जाएंगे लेकिन ये अधूरा क्वेश्चन है अगर आप एक अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर दे रहे हो तो ऐसा नहीं कहेगा कभी भी ऑयल और वाटर अकेला बोल देगा वो डेंसिटी जरूर बताएगा तो आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है और उसमें डेंसिटी गिवन है डेंसिटी इसकी ज्यादा मैं बोल देता हूं कि ऑयल की ज्यादा है अगर डेंसिटी तो हमें इसको उठाने में ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी अगर मान लो इस केस में मैं दे देता हूं गिवन कि ऑयल की डेंसिटी ज्यादा है तो हमारे पास ऑयल बकेट इसका आंसर आना चाहिए तो ये थोड़ा सा कहूंगा अधूरा क्वेश्चन है ऐसा बुक्स में होता है आ, आपको यहाँ पे इंटरनेट पे भी अवेलेबल होता है लेकिन ये अधूरा क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं शुड स्पेसिफिक वेट ऑफ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड ओनली बी टेकन एट एसटीपी तो देखिए स्पेसिफिक वेट जो होता है ऑफ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड तो कंप्रेसिबल की नहीं बात कर रहा वो इनकंप्रेसिबल की बात कर रहा है तो उस केस में क्या है कि उस एसटीपी पे लेना चाहिए उसका स्पेसिफिक वेट तो स्पेशल इसके केस में बता दूं इनकंप्रेसिबल के केस में तो इस केस में हमें नहीं देखना होता ऐसा कुछ नो no. इनकम्प्रेसिबल के क्योंकि उसने उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होनी है उसका डेंसिटी चेंज नहीं होगा तो वो क्या तो ये कई बार ना कंप्रेसिबल के लिए अगर पूछ लेता ये कंप्रेसिबल लिख लेता तो एस तो टीपी पे लेते हैं लेकिन ये क्या बोल रहा है कि इनकम्प्रेसिबल के लिए तो हम ये इसका बी राइट आंसर होगा नो इट कैन बी टेकन फॉर एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर नेक्स्ट देखते हैं एनकम्प्रेसिबल फ्लूड स्पेसिफिक ग्रेविटी वॉज मेजर्ड ऑन अर्थ ऑन अ प्लेनेट having highest वैल्यू तो वो कह रहा है कि compressible fluid है मेरे पास जिसकी कोई स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने मेजर करनी है एक तो आपने अर्थ पे की है और दूसरा आपने चेक करनी है वहां पे जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 5.5 टाइम्स ज्यादा है ठीक है अर्थ से तो उस केस में स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या बनेगा किसकी ज्यादा होगी तो मेरे भाई आपको इस चीज का आपको थोड़ा सा देखना होगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो हमारे पास क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है वो है डेंसिटी ऑफ फ्लूड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर तो आपने एक स्पेसिफिक हमने वाटर ले लिया जिस केस में स्पेसिफिक ये ले लिया तो ये हमारे पास है तो ये क्या है कि हमारे पास इस केस में आप देखें तो हमारे पास इस केस में ये रहेगा कि ये कांस्टेंट रहेगा आपको ये याद रखना है इट विल बी कांस्टेंट एवरीवेयर हर जगह पे सेम होगा चाहे जहां पे भी जाएंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो वही की वही रहेगी ठीक है अगर चाहे उसमें जी की जो वैल्यू है चेंज होती है तो हो जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें उसमें केस में नहीं कोई फर्क पड़ेगा वाटर फ्लोज बिटवीन टू प्लेट्स तो वाटर uh, फ्लो कर रहा है दो प्लेट के बीच ऑफ द अपर वन इज स्टेशनरी तो दो प्लेट है हमारे पास यहां पे एक प्लेट है मान लेते हैं और तो दूसरी प्लेट यहाँ पे नीचे और इसके बीच में पानी फ्लो कर रहा है इनके बीच में पानी फ्लो कर रहा है ठीक है और अपर लेयर जो है स्टेशनरी है ये फिक्स प्लेट है ये मूव नहीं कर सकती एंड द लोअर वन इज मूविंग ये मूव कर रही है वेलोसिटी बी वट विल बी वेलोसिटी ऑफ फ्लूड इन कॉन्टेक्ट विद अपर ब्लेड इस ये जो कॉन्टेक्ट में है ना वॉटर उसकी बताओ कहता है कि जो कॉन्टेक्ट में है उसी के स्पेशल पूछ रहा है वो तो उसके इसमें में बताओ कि कितनी फ्लूड की वेलोसिटी होगी तो मेरे भाई ये जीरो होगी क्यों क्योंकि जब ये कांटेक्ट में आते हैं अगर ये फिक्स प्लेट है तो उस फ्लूड की वेलोसिटी भी जीरो होती है बाउंड्री लेयर वाला आपने पढ़ा होगा तो मैंने समझा रखा है ये सारा आप फ्लूड मैके प्ले लिस्ट ओपन कर ले वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी द विस्कस फोर्स द विस्कस फोर्स द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर ऑफ अ इन मोशन विच वन ऑफ द फिट्स बेस्ट इन द सेंटेंस तो विस्कस फोर्स अगर रिलेटिव मोशन में विस्कस फोर्स देखें तो वो लेयर में क्या होगा कौन सी इसमें फिट बैठती है अपोज करती है, तो ये विस्कस फोर्स करती है को, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो विस्कोस्टी क्या है विस्कस फोर्स ओपोज करती है मोशन को नेक्स्ट देखते हैं द विस्टी ऑफ ए फ्लू इन मोशन इज वन पॉइस तो मोशन में है

तो ये विस्कोस्टी के साथ कैसे चेंज होती है लिक्विड और, गैस की, आप लिक्विड के केस में और गैस के केस में दोनों में उल्टा है ठीक है याद लें टेम्परेचर जैसे ही राइज करेगा लिक्विड का जैसे ही राइज करेगा गैस का तो विस्कोसिटी मेरे पास यहाँ पे जो लिक्विड का केस देखें तो विस्कोसिटी कम हो जाती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल Viscosity जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड की विस्कॉस्टी कम हो जाएगी लेकिन गैस के केस में क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जैसे जैसे, जैसे विस्कोस्टी टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे विस्कॉस्टि बढ़ती जाएगी ठीक है तो ये हमें समझना है जैसे लिक्विड का केस में बताऊं तो आप लिब्रिकेटिंग ऑयल डलवाते हो ठीक है बाइक में तो बाइक में जब लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हो तब तो ज़्यादा होती है लेकिन अंदर हाई हो जाता है से निकालोगे, तो, उसकी कम हो चुकी होगी। तो हमारे पास इस केस में डिक्रीज करना चाहिए डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एंड डिक्रीज नहीं ये नहीं है डिक्रीज करना चाहिए डिक्रीज हाँ यही है डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर Uh, आपको ये है डिक्रीज uh, डिक्रीज नहीं uh, हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए यहां पे डिक्रीज हो रहे, तो पे ठीक है, ये बन रहा है इसका, तो यहां तो डिक्रीज कर रहा है विस्कोसिटी टेम्परेचर uh, के साथ लिक्विड का और इंक्रीज कर रहा है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद द गैस तो आपका डी इज द राइट आंसर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी

कोहेजिव तो फोर्स बढ़ जाती है गैस, के केस में ये होता है गैस के केस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स यहां पे हैं तो दूर दूर है अगर वो देखो अगर दूर दूर है तो इनमें कोहेसिव फोर्स जो होती है कोहेसिव क्या होती है सेम मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स अट्रैक्शन फोर्स होती है जब हम इसे हीट अप करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में पास आते हैं और इसकी कोहेसिव फोर्स बढ़ती है जिसके कारण विस्कोसिटी बढ़ती है तो गैसेस इज द राइट आंसर तो गैस हमारे पास राइट आंसर है है, तो इस ग्राफ में हमें बताना है कि थिक्सोट्रोपिक किस तरह से वेरिएशन होती है तो देखिए, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दे दू थिक्सोट्रोपिक के बारे में थिक्सोट्रोपिक फ्लूड क्या है इन इज वन दैट टाइम to to attain viscosity equilibrium when introduced step uh, change in shear shear rate. rate तो तो वो कम हो जाती है ठीक है तो हमारे पास ये जो है हमारे पास जो फ्लूड है जो मेरे पास मान लो कि सर्टेन gels है ठीक है जो थिक होती है लेकिन अगर तो वो रुकी हुई कंडीशन में है अगर स्टैटिक कंडीशन में है तो वो ठीक है लेकिन जैसे जैसे उसको हिलाना शुरू करेंगे जैसे जैसे उसमें मान लो चाहे आपका चम्मच है कोई चीज है जिससे आप उसको हिलाना शुरू करोगे तो वो उसकी जो थिकनेस है वो कम होनी शुरू हो जाएगी तो वो थिन होना शुरू हो जाएगा थिन होना शुरू हो जाएगा मतलब उसमें हमारे पास विस्कोसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी तो शिव स्ट्रेस जो है हमारे पास देखे तो इस केस में हमारे पास होगा क्या कि ये देखो यहाँ पे बना दू मैं यहां पे बनाता हूं तो ये है शीयर स्ट्रेस अगर मैं यहाँ लिखू, यहां लिखू लिख देता हूं तो यहाँ पे रेट ऑफ शीयर स्ट्रेन यहाँ पे लिख देता हूं तो हमारे इस केस में क्या होगा कि विस्कोस्टे जो है वो डिक्रीज करती जाएगी डिक्रीज करती जाएगी जैसे जैसे आप शीयर स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि शीयर स्ट्रेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज ये होना चाहिए आपका आंसर शीयर स्ट्रेस ये क्वेश्चन शीयर स्ट्रेस वेरिएशन ओनली आफ्टर डेफिनेट तो एक्चुअली uh, इसका आंसर होगा डिक्रीज कांस्टेंट एंड देन वेरिएशन रिलेशन तो इस केस में देखिए एक बार दोबारा पढ़ लें ऑप्शन in तो शीयर स्ट्रेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन रेट ऑफ शीयर स्ट्रेन तो शीयर स्ट्रेस तो एक्चुअली इसके जो ऑप्शन बनने हैं चाहिए वो ऑप्शन बनने चाहिए कि विस्कोस्टी के हिसाब से आपको बताना चाहिए विस्कोस्टी के हिसाब से तो विस्कोस्टी किस तरह से चेंज हो रही है विस्कोस्टी ठीक है तो हमारे पास इस केस में क्या है कि विस्कोस्टी कम होनी है तो विस्कोस्टी जैसे जैसे कम होगी देखो ऐसे ऐसे कर दू तो ऐसे तो मेरे पास क्या है कि डिक्रीज करती जाएगी तो मेरे पास ये के आ तो आपने वैसे बताना है जैसे मैंने बताया नहीं तो आपका राइट right आंसर है बी नेक्स्ट करते हैज कांस्टेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर कांस्टेंट स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ अर्थ विमेटिक विस्कॉस्टी पहले समझ लो कि क्या होता है डायनेमिक विस्कोसिटी मेरे पास होता है रेशियो होता है म्यू अपॉन रो का म्यू क्या है विस्कोसिटी अपॉन रो तो आप जब देखते हो ना तो इसके यूनिट्स भी देखते हो यूनिट्स के देखेंगे अगर इस तरह से विस्कोसिटी यूनिट्स देखते हैं तो हमें पता लगता है कि उसमें जी का कोई रोल ही नहीं है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है तो स्पेसिफिक के ग्रेविटी के केस में हमने देखना है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास है कॉन्स्टेंट uh, अगर कॉन्स्टेंट है तो तो कैनमेटिक विस्कोसिटी में जी रो जी का कोई रोल नहीं है इसलिए इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट In in liquids, in order to measure the viscosity of इन लिक्विड इन ऑर्डर टू मेजर दी ऑफ लुड एक्सपेरिमेंटली तो ये वही चीज आ गई so, तो हमने जब देखना है कि वेरिएशन किस तरह से विस्कॉस्टी वाले केस में तो वही कहते हैं ना कि यहाँ पे शी स्ट्रेस ले लो यहाँ पे रेट ऑफ शीयर स्ट्रेन ले लो रेट ऑफ शीयर स्ट्रेन यहाँ पे लिख लो तो डी यू बाई डीवाई यहाँ पे लिख सकते हैं डी यू बाई डी वाई रेट ऑफ शीय स्ट्रेन तो यहाँ पे लिखते हैं तो वेरिएशन आपस में विस्कोस्टी का देखनी है चाहे बढ़ रहा है चाहे कम हो रहा है है जा, ना चाहे बढ़ता हो चाहे कम होता हो तो उस केस में हमारे पास क्या है एक तरफ ये एक तरफ वो तो रेट ऑफ शीयर स्ट्रेन इज द राइट आंसर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन कंप्रेसिबिलिटी बीटा सॉरी ये क्या कहेंगे इसका नाम अल्फा बीटा बीटा हा तो ये है और बल्क मॉडल्स में तो बल्क मॉडल्स और इसमें रिलेशन याद रखें तो वन बाई के होता है हमारे पास k इज द बल्क मॉडल तो हमारे पास ये वाला आंसर बन रहा है तो वन बाय के होता है हमारे पास कैसा होता है तो ऑफ इलास्टिसिटी के जिसको हम लिखते हैं तो वो मैंने पहले भी बताया आपको कि नॉर्मल स्ट्रेस है हमारे पास यहाँ कंप्रेसिव स्ट्रेस है कंप्रेसिव स्ट्रेस लिख दें कंप्रेसिव स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक इसकी स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो इस केस में हमारे पास आ रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेस क्योंकि इस केस में हमें बताया हुआ है तो उसी के उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज द राइट आंसर ए इज द राइट आंसर द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस वेलोसिटी फॉर एन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड इज तो बल्क मॉडुलस ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है

कंप्रेसिबिलिटी जो हाईएस्ट होगी रिलेशन बिटवीन शीट एंड ग्रेडियंट ऑफ इज़ गिवन बाय वेयर ए एंड एन आर द कांस्टेंट कांस्टेंट्स एंड इफ एन इज टू वन टाइप ऑफ फ्लूड तो ये याद रखें जब भी एन की वैल्यू वन गिवन होगी किसी भी फ्लूड के लिए किसी भी फ्लूड के लिए एन इज टू वन होगा तो वो न्यूटोनियन फ्लूड के लिए होगा तो आप याद रखें को होगा तो वो हमारे पास न्यूटोनियन फ्लूड होगा इसको ग्रेविटी ऑफ ए गिवन इफ इट वेज टेन थाउजेंड न्यूटन इन टू मीटर क्यूब दो मीटर क्यूब का मेरे पास कोई बॉक्स है और उसका वेट है दस हजार न्यूटन ठीक है दस हजार न्यूटन तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है सबसे पहले हम स्पेसिफिक वेट देते हैं वेट अपॉन वेट अपॉन वॉल्यूम तो वेट है हमारे पास दस हजार न्यूटन और अपॉन टू मीटर क्यूब तो मेरे पास कितना आ गया स्पेसिफिक वेट आ गया पांच हजार न्यूटन पर मीटर क्यूब अब लेकिन रो क्या होता है देखिए डब्ल्यू होता है रोजी ऐसा होता है डब्ल्यू हमारा गिवन है फाइव ठीक है न्यूटन पर मीटर क्यूब और रो हमारे पास देखिए निकालना है हमें जी कितना अगर एक बार के लिए अभी टेन मान लें तो टेन से डिवाइड कर दे तो रो हमारे पास कितना की अप ऑन डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी तो ये हमारे पास फ्लूड की जो है हमारे पास फ्लूड है पांच का पांच डेंसिटी और हमारे पास ये होता है थाउजेंड वॉटर की थाउजेंड होती है तो इज़ द राइट आंसर तो right तो राइट आंसर आ टेंशन के लिए कौन सा रीज़न माना जाता है फोर्स, फोर्स, बोथ। तो इसका राइट right आंसर है हमारे पास ये डी दोनों से की वजह से हमारे पास क्या आता है सरफेस uh, टेंशन आता है फॉर ए कंप्रेसिबल फ्लू इफ देर इज नो चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वाइप ऑफ प्रोसेस इट इज तो अगर ये कहता है कि देर इज नो चेंज इन स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं तो इस केस में हम क्या करेंगे की आइसोथर्मल प्रोसेस होगी हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस होगी विच टाइप ऑफ बॉडी इज इन एयर एयरफॉल एयरफॉल बॉडी किस तरह की होती है एयरफॉल बॉडी कुछ इस तरह से जैसे मछली होती है इस तरह से एयर फॉयल बॉडी होती है ये एयर फॉयल बॉडी है तो इसके ऊपर से जब जैसे कार है कार भी इसी तरह से हम कोशिश करते हैं कि इस तरह स्ट्रीम लाइन किया जा सके इसे फुल नहीं हम इसको कर पाते तो जितना ज्यादा स्पीड वाली कार होगी उतना ज्यादा इस तरह से होगी फॉयल शेप की बनाने की कोशिश करते हैं तो ये एक्चुअली स्ट्रीम बॉडी होती है स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है तो इसके साथ एयर ऐसे टकरा के ऐसे निकल जाती है तो स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है वन लीटर ऑफ सर्टेन फ्लूड वेज एट न्यूटन कोई वन लीटर है हमारे पास फ्लूड वो आठ न्यूटन वे कर रहा है वेट उसका तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बताइए उसका कितना है तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे इसका राइट right आंसर क्या है आपको अगर ये वीडियो समझ आई है आपको लगता है कि ये आसान लगा मुझे तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए और शेयर करना ना भूले मेरी वीडियोस को मेरी बनाई और ज्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं किसी और टॉपिक में देखना चाहते हैं तो टॉपिक का नाम लिख दीजिए और साथ में लिख दीजिए गेयर इंस्टीट्यूट अगर उस टॉपिक में मैंने वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी थैंक यू थैंक यू सो मच